सराय पाली के जोगीडाबा गांव के ग्रामीणों ने जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 सालों से गांव में सीसी रोड, स्कूल भवन, तालाब निर्माण कार्य और अन्य विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। फर्जी तरीके से निर्माण कार्यों को पूरा बताकर राशि निकाल दी जाती है। ग्रामीणों ने इन तमाम आरोपों की जाँच के लिए लिखित शिकायत जनपद कार्यालय में की है। वहीं जनपद पंचायत के सीईओ का कहना है कि ग्रामीण आए थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने शिकायती आवेदन भी दिया है। जल्द ही शिकायती आवेदन की जांच के लिए जांच टीम गठित की जाएगी। तालाब निर्माण है, कई कई ठीक समस्या लेके आए साहब। तो आप लोगों ने जो आवेदन दिया है उसमें क्या मांग आपके द्वारा या ग्रामवासियों के द्वारा की गई है? आज करीब 4 वर्ष हो गया, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। फर्जी निकाल करके लोग राशि हरण किए हैं। तो आपका आरोप किनके ऊपर है? किन लोगों ने फर्जी निकासी किया है? वो लोग कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम मनोहर सरपंच है और सचिव रुक्मण है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए? हाँ। आगे विधानसभा चुनाव है, इसको देखते हुए आप लोगों की क्या मांग है? इसका कार्रवाई होना चाहिए साहब। कैसी कार्रवाई आप लोग चाह रहे हैं? इसको पैसा आपस हो जाता है, जो काम नहीं हुआ है, पैसा निकाल कर राशि हरण की है, वो भ्रष्टाचार की है, उस भ्रष्टाचार के शिकायत कर रहे हैं। मुझे ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ कि मुंडा में आपका निर्माण के मुंडा में आश्रय कम जोगी पर सभी आदर्श ग्राम योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं यहाँ से टीम गठित करूँगी और टीम के द्वारा आने पर आवश्यकता है।